Good morning, everyone. Continuing our previous topic, today we are going to start with the discovery of first subatomic particle, that is discovery of electron. For the discovery of electron, the experiment was conducted in a discharge tube. Discharge tube क्या है? एक तरह से एक glass tube है. जैसे हमारी normal tube है, उसी तरह discharge tube को हम एक glass tube की तरह consider कर सकते हैं. In that discharge tube a gas was filled. What the scientists they did, they filled the discharge tube with a gas. अब क्योंकि normal conditions पे gas conducting नहीं होती, electricity conduct नहीं करती, उसे conducting बनाने के लिए उसका pressure reduce करना पड़ता है. To reduce that pressure, to make the gas conducting, the pressure was reduced with the help of this vacuum pump. फिर क्या किया, इस discharge tube में दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स फिट की गई, उनमें एक रॉड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया. नाउ एज वी नो द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज टर्म्ड एज कैथोड एंड द अदर वन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज टर्म्ड एज एनोड. अब जब इसमें हमने हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ इसे कनेक्ट किया, ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज व्हाट हैपेंस, क्या ऑब्जर्व किया गया कि करंट फ्लो होने लगा थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड. कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ रेडिएशंस मूव करने लगी. अब नॉर्मली रेडिएशंस हमें वैसे तो दिखाई नहीं देती, टू सी दोज रेडिएशंस व्हाट दे डिड, दे मेक अ होल इन द एनोड एंड कोटेड द ग्लास ट्यूब बिहाइंड द एनोड विद अ मटीरियल विच इज जिंक सल्फाइड विच इज अ फ्लोरोसेंट मटीरियल. दिस फ्लोरोसेंट मटीरियल, व्हाट डू मीन बाय दैट, कि फ्लोरोसेंट मटीरियल क्या है कि जब उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस गिरेंगी तो वो मटीरियल ग्लो करने लगता है. अब नॉर्मली तो हमें रेडिएशंस दिखेंगी नहीं, लेकिन जब वो रेडिएशंस उस मटीरियल पे गिरेंगी तो वो मटीरियल ग्लो करेगा. इससे ये पता चला कि जो पोर्शन एनोड के पीछे था वो ग्लो कर रहा था. तो ये हमें क्या शो करता है कि रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल कर रही हैं. तो ऑब्वियसली वो रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से. सो दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड एंड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट्स विच वर कंक्लूडेड वर दैट रेडिएशंस दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की, अगर हम कोई फील्ड ना अप्लाई करें तो रेडिएशंस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. सेकेंड, दीज रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास. जिस गैस में से वो रेडिएशन से पास कर रही हैं वो उसे आयोनाइज कर रही है. आयोनाइज मीन्स उनमें आयंस क्रिएट हो गए. आयंस मीन्स उनमें चार्ज आ गया. वो चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें भी एटम्स हैं. जब इनके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, ड्यू टू विच द गैस एटम्स दे गेट आयोनाइज. एक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अगर हम इन रेडिएशंस के अराउंड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो ये रेडिएशंस अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी. द रेडिएशंस शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. और वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इन द सेम वे एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. मीन्स अगर हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो जाएंगी. इसी तरह ये भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो जाएंगी. सो दे गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ दे आर अप्लाइड व्हेन द रेडिएशंस दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. दीज रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड दीज रेज प्रोड्यूस X-rays on striking the surface of hard metal. So these were the conclusion and finally what the observation was, what the result, after the observation what the result was, that from the negative terminal the radiations of negatively charged particles they are moving towards the opposite end, that is anode, and hence they concluded that one of the subatomic particle in the atom is electron. In the next part we'll discuss the discovery of positive subatomic particle and the subatomic particle which is neutral in nature by experiments. That's all. Now next is the discovery of the second subatomic particle, that is the proton.
अब जब पहले एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब में हमने जब हाई वोल्टेज सप्लाई की तो उससे जो रेडिएशन थी वो कैथोड से एनोड की तरफ ऑब्जर्व हुई विद द हेल्प ऑफ जिंक सल्फाइड कोटिंग. नाउ द साइंटिस्ट दिस सेड दैट एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. इफ एटम एज अ होल इज न्यूट्रल मीन्स दैट इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर देन ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज विल ऑल्सो बी देयर. टू प्रूव दिस ई कोल्स्टेन ही मॉडिफाइड द डिस्चार्ज ट्यूब. क्या मॉडिफिकेशन किया गया कि कैथोड को इस बार परफोरेटेड लिया गया. परफोरेटेड मीन्स उसमें होल्स थे. जैसे हमने एनोड में एक होल बनाया था ताकि वो रेडिएशन पीछे स्ट्राइक करें और हमें पता चले कि रेडिएशन कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है. इसी तरह अब ये चेक करने के लिए कि क्या रेडिएशन एनोड से कैथोड की तरफ भी जाती हैं, उसके लिए मॉडिफिकेशन क्या किया, चेंजेस क्या किए गए कि कैथोड में होल्स बना दिए गए, परफोरेटेड कैथोड यूज की गई. अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए बाकी सारी कंडीशन सेम थी. वैक्यूम एज इट इज, द गैस वॉज फिल्ड इन इट एंड द प्रेशर वॉज रिड्यूस टू मेक इट कंडक्टिंग. ऑन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट वॉट वॉज ऑब्जर्व कि प्रेशर रिड्यूस करने पर उन्हें एक नई तरह की रेडिएशन ऑब्जर्व हुई जो कैथोड के होल्स में से क्रॉस हो रही थी ऑन द ऑपोजिट साइड एंड दे वर मूविंग अवे फ्रॉम द एनोड. इससे क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या डिटेक्ट हुआ कि जो रेडिएशन है दे आर मूविंग फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड ऑल्सो. सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ ही नहीं जा रही, एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही है. अब क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी इसलिए इन्हें पॉजिटिव रेडिएशन भी कहा गया, और क्योंकि ये परफोरेशन में से इन होल्स में से क्रॉस हो रही थी दैट इज वाई देवर टर्म्ड एज केनाल रेज ऑल्सो. देन टू स्टडी द प्रॉपर्टीज दैट द रेडिएशन देवर कमिंग फ्रॉम एनोड, सो द नीड वॉज टू ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज रेडिएशन. कि जैसे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी इसी तरह इनमें क्या ऑब्जर्व होता है, तो वो देखने के लिए वॉट दे ऑब्जर्व इज दैट रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज देवर सिमिलर लाइक दैट ऑफ कैथोड रेज. द रेडिएशन दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे शो द डिफ्लेक्शन बट ऑब्वियसली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि ये पॉजिटिव रेडिएशन थी तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होती. And the next foremost thing is that the nature of rays depend upon the nature of the gas taken. जो गैस हम लेते थे उसके जो रेडिएशन का रेडिएशन का नेचर है वो हमने कौन सी गैस लिए उस पर डिपेंड करता है. दिस वाय सो, क्योंकि जो एनोड रेज है वो बनी कैसे, जब कैथोड रेज यहाँ से ट्रेवल कर रही थी उन रेडिएशन ने गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब स्ट्राइक किया तो उस स्ट्राइकिंग से उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल हुआ. जो पीछे बचा रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, नाउ दैट पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑब्वियसली विल ट्रेवल टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड. सो इन दिस वे दिस होल पॉजिटिवली चार्ज आयन, because it is containing positive charge as well as the neutral particle, so it is having some mass. So that is why these radiations, they depend, the nature of the radiation, they depend upon the nature of the gas taken. Here also I mentioned, anode rays, they are formed when the electrons are knocked out from the atoms or molecules of the gas in the discharge tube by the particles of the fast moving cathode rays. जब cathode rays strike की electrons eject हुए, electrons तो travel कर गए anode की तरफ and the rest of the positive ion they form, they move towards the cathode that is the negative terminal in the form of radiations. So in this way by these experiments two subatomic particles that is electrons and protons were discovered. Now from our general observation as we have discussed in the last video that there are three subatomic particles. Third subatomic particle came into existence by the comparison of hydrogen and helium. जब hydrogen और helium के atomic number और atomic mass को compare किया गया था वहां से पता चला था कि atom में एक और subatomic particle होता है जिसे हम कहते हैं neutron. अब उसे भी कंफर्म करने के लिए जेम्स शैडविक ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद द अल्फा पार्टिकल्स. जिस तरह ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए इसी तरह इसने भी एक बेरिलियम की शीट को अल्फा पार्टिकल्स से स्ट्राइक करवाया एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट न्यूट्रल पार्टिकल्स दे वर एमिटेड
and the mass of those particles was slightly greater than that of proton. And ultimately, at the last, it was proved that atom can further be subdivided into three subatomic particles, that is electron, proton, and neutron. That's all.